मिनेश की जय। भगवान मिनेश की जय। आज के इस महिला मातृशक्ति के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश श्री लालाराम मीणा साहब, श्री अमृत भाई मीणा साहब, महामंत्री संगठन के प्रवक्ता ब्रजेश मीणा जी, भीकम सिंह राजू भाई, मस्तान सिंह महाराज जी, हृदय मोहन जी, ब्रजेश जी, ब्रजमोहन जी, डी एल मारन साहब, पदम भाई, हमारे आर टी ओ साहब जगदीन भाई, बहन कहूँ बहू हूँ एक ही बात है कल्पना, हमारी श्रीमती रवि जी, आरती मीणा जी, अंजलि मीणा जी, पंकज मीणा जी, मालती मीणा जी, रचना मीणा जी और सभी पधारी मातृशक्ति बहने मालती, हमारी बिटिया मयूरी और सभी सम्मानित मातृशक्ति। आज से 3-4 महीने पहले है, उससे भी बहुत पहले 9 महीने 10 महीने हो गए होंगे, 11-12 महीने हो गए ऐसा कह सकते हैं। हमारे क्षेत्र में एक मोती सिंह जी रावत है जो दिल्ली में एडीएम के पद पे हैं और हम लोगों ने तय किया था कि हमारे इधर सामाजिक जो कुरीतियाँ होती है उन कुरीतियों को बढ़ाने में और कम करने में दोनों चीज़ों में महिलाओं का बड़ा हाथ होता है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको साबित भी करूँगा कि ऐसा होता क्यों है। मृत्यु भोज अमूमन पूरे प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी और बाकी सब जगह भी है हमारे समाज में। और मृत्यु भोज क्यों होता था इस पर हमने बड़ा गहन विचार विमर्श किया और समय किया, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। 8 साल पहले मेरे गांव से इसकी शुरुआत हुई थी कि मृत्यु भोज को किस तरीके से मतलब आप लोगों ने तय किया उसको कि एकदम से खत्म नहीं कर सकते, पर यह जो मिठाइयाँ बनती है बाकी चीज़ें बनती है इनको सीमित करते हैं, सब्जी पूड़ी तक लेके आते हैं, इसको सिर्फ सब्जी पूड़ी बनाएंगे, इसके अलावा कुछ बनाएंगे नहीं। तो सब्जी पूड़ी बनाएंगे तो मंथन खर्चा हो गया और दूसरा जो लोग सिर्फ खाने के उद्देश्य से आते हैं वो आना बंद हो गए, उनको लगा था कि यार सब्जी पूड़ी क्या खाने जाना, तो जिनको बहुत ज़रूरी था वो लोगों ने आना जाना चालू किया। इसके अपमान स्वरूप ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि सिर्फ मेरे गाँव में शुरुआत हो पाई, बाकी गाँव में शुरुआत नहीं हो पाई, तो हमारे जो लोग जाते थे उनको बोलते थे गाँव जमने वालों को अलग लाइन में बिठाना भैया, इनको सिर्फ सब्जी पूड़ी खिलाना, मिठाई उठाई इनको नहीं रखना। तो हम लोग जाते थे, हम बोलते थे भैया सब्जी पूड़ी भी मत खिलाओ, हम आएंगे और सब पूरे समाज को इसको अडाप्ट करना चाहिए। और अभी इस साल तक जाते जाते हालात ये हो गए कि करीब 70 से 80 मृत्यु भोज के कार्यक्रम ऐसे हुए हमारे क्षेत्र में जिसमें सिर्फ सब्जी पूड़ी रसोई के रूप में बनी है, बाकी कुछ बनाने और मुझे लगता है कि ये चुनाव में ठीक हो सकती है। पर उसी समय हम लोगों ने विचार किया था कि क्यों सब्जी पूड़ी तक सीमित नहीं हो पा रहा था। तो होता यह था कि हमारे जो जिस घर में जो मृत्यु होती है उस घर में बहन बेटियाँ आती हैं, तो बहन बेटियाँ जो आती है उनके द्वारा प्रेशर डलवाया जाता था कि हमारा भी हिस्सा है, हमारे बाप का ऐसा हुआ था, हमारे बाप का बाप का ऐसा हुआ था, हमारे दादाजी का हुआ था, उनके दादाजी का हुआ था, तो ये भाई जो है अपनी बीवियों के कहने की वजह से या औरतों के कहने की वजह से ये कार्यक्रम नहीं करते हैं। और वो जब प्रेशर डालती थी तो उस इमोशनल माहौल में, उस भावनात्मक माहौल में आदमी मजबूर होता था कि उसको रसोई को अच्छे तरीके से करना ही पड़ता था, भले उसके लिए खेती दिख जाए कुछ और भी दिख जाए। तो ये एक पीड़ा थी हमारे मन में कि इसको शुरुआत अगर करवानी है तो महिलाओं के द्वारा शुरुआत होनी चाहिए, अगर महिलाओं के द्वारा शुरुआत होगी तो व्यक्ति को सब्जी पूरी नहीं मेरे ख्याल से उसके भी नीचे कराने का बंद हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर आता है प्रेशर वहीं से आता था। इस बारे में मैंने इनसे भी बात की थी और उनकी धर्मपत्नी से भी बात की थी और अभी जो कार्यक्रम में तो उसमें बुलाया भी गया था उनको, और हमने एक तैयारी की थी कि किस तरीके से महिलाओं का एक बड़ा संगठन हम खड़ा करें और वो संगठन पूरी ताकत के साथ में उन लोगों को रोके जो ये कार्यक्रम करते हैं।